हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम बनाएंगे चीज़ चिली टोस्ट। ये सभी का फेवरेट होता है और ये छोटी छोटी भूख में या फिर लाइट डिनर करना हो या सुबह का ब्रेकफास्ट हो तो आप इसे इजीली खा सकते हैं और ये मिनटों में ही बन जाता है। इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। आप देख सकते हैं ये कितना टेम्प्टिंग लग रहा है। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स है। यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ लिए है, रेड येलो ग्रीन बेल पेपर्स लिया है, बेजिल लिया है, हरी मिर्च फाइनली चॉप करके ली है, बटर और ब्रेड ले लिया है। यहाँ पे मोज़रेला की जगह पे आप प्रोसेस चीज़ भी ले सकते हैं। इसे हम पहले ग्रेट कर देंगे। अब यहाँ पे ग्रेट किए हुए चीज़ में मैं फाइनली चॉप किए हुए येलो बेल पेपर्स डाल दूँगी, ग्रीन बेल पेपर्स डाल दूँगी, यहाँ पे मैं रेड वाले बेल पेपर्स भी डाल दूँगी। इसे हमें फाइनली चॉप करना है और ग्रीन चिलीज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, इसे भी फाइनली चॉप करके डालें। और अब यहाँ पर हम बटर डालेंगे। ये जो बेजिल है वो हम बाद में डालेंगे, पहले इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे हाथों से। बटर को अच्छे से मेल्ट कर देना, हमारी हाथ की गर्मी से बटर मेल्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हम बेजिल ऐड कर देंगे और बेजिल ऐड करके हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। बेजिल को हमेशा हाथों से तोड़ के ही ऐड करें, कैंची से नहीं काटे, नहीं तो वो काले पड़ जाते हैं। इस तरीके से मिक्स कर दें। और अब यहाँ पे मैंने ब्राउन और वाइट दोनों ब्रेड ली है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे साइड्स भी निकाल सकते हैं ब्रेड की, मैंने नहीं निकाली है क्योंकि साइड्स का जो क्रंचीनेस है वो बहुत अच्छा लगता है। और अब इस पे हमारा चीज़ जो हमने मिक्सचर किया था वो स्प्रेड कर देंगे। इस तरीके से मैंने तीन ब्रेड के स्लाइसेस बना दिए हैं और अब मैं पैन को हल्का सा बटर से ग्रीस कर दूँगी और इसके ऊपर दो ब्रेड के स्लाइसेस रख दूंगी। जितना बड़ा पैन हो आप उसके अकॉर्डिंग स्लाइसेस रख सकते हैं। और इसे ढक्कन लगाकर हम चीज़ मेल्ट होने तक इसे गरम रखेंगे। देखिए अब चीज़ मेल्ट हो गया है। अब हम इसे कट कर देंगे पिज़्ज़ा कटर से। आप इसे नाइफ से भी कट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे हमारा चीज़ चिली टोस्ट रेडी है। कितना फटाफट मिनटों में बन जाता है और ये बिल्कुल कैफ़े स्टाइल में बनाया है मैंने। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब बटन के पास ही जो बेल आइकन का बटन है उसे क्लिक करें ताकि मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत ही मिलती हूँ कुछ न्यू रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।